एक छोटा सा न्यूज आप सभी क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थियों के बीच शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी पावरफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक लाइन में बहुत बड़ी बड़ी जानकारी छिपी हुई है। आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आप सभी क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थियों के बीच आई है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूं। तो स्वागत आप सभी को ज्ञान अकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। जी हाँ, तो आयोग की तरफ से आप सभी क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थियों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने का आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी सूचना आ गई है, जो आप सभी क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थी 10 जुलाई से, जी हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा अपलोड करने में देरी हो गई, बट 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक, जी हाँ, 10 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक, इस डेट को याद रखिएगा, 10 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके आप उसमें अपना नेम करेक्शन, फादर नेम करेक्शन, मदर नेम करेक्शन वगैरह जो भी चीजें अगर मिस्टेक दिखाई दे रही है तो आप उसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं। पता है क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थी ये सोच करके मतलब पूरा फ्री माइंड हो जाते हैं कि मतलब मैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ सही है और सही आया होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक छोटी सी भूल एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी विडंबना का रोल प्ले करा देती है। मतलब कुल मिलाकर कि अगर आप एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं ना तो ये एक बहुत बड़ी समस्या को उत्पन्न कर देती है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा मैं धीरे बोला हूँ तो फास्ट कर सकते हैं, बट मैं समझा रहा हूँ बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, आप सभी क्लास 10th 12th वाले विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए होता क्या है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th वाले विद्यार्थियों को उतना मैच्योर नहीं समझता जितना कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं। तो सुनिएगा होता क्या है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते हैं तो नाम पता सब कुछ बढ़िया से दे देते हैं, माता पिता का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। देने के बाद होता ये कि हो सकता है कि कहीं आप सही इंफॉर्मेशन दिए हो और विद्यालय के प्रधानाचार्य या उनके अंडर में रह रहे जितने भी मतलब शिक्षक लोग हैं जो ऑनलाइन कर रहे हैं पोर्टल से, जो आप नहीं विद्यालय के जो है ना माध्यम से जो आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है ना, तो किसी भी तरीके से कागजात तो जब लोग ऑनलाइन करते हैं तो भाई इंसान है, मिस्टेक हो जाती है। तो हो सकता है कि अगर मान के चलिए कि अगर आपका नाम रोहन कुमार है, रोहन कुमार की जगह पर रोहन कुमारी हो गए, ठीक है ना, तो सोचिए कि एक आई के करते मतलब वहां आई नहीं रहना चाहिए, एक आई के करते आप लेडीज बन गए, ठीक है ना, और नाम जेंट्स की तरह लग रहा है। तो सोचिए कि अगर आप इस चीज से निश्चित हो गए नहीं मैं तो इन्फॉर्मेशन सही दिया हूं, ठीक है, और मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड तो बिल्कुल एकदम आ जाएगा बढ़िया से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, तो देखिए यहां पर आप चूक कर रहे हैं। जब आपको आयोग क्लास 10th एंड 12th वाले आप सभी विद्यार्थियों के बीच डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करके उसमें करेक्शन करने का ऑप्शन दे रहा है तो फिर आपको इसमें दिक्कत क्या है, क्या आपको पैसा लग रहा है? अगर आपको पैसा मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर कैसे बात कर रहे हैं, हम जाएंगे निकलवाने के लिए तो पैसा लगेगा, जी हम मान सकते हैं, तो मत निकलवाइए ना, आपके घर में एंड्रॉइड फोन होगा, मैं अभी बता रहा हूँ कैसे। जैसे ही आप बिहार बोर्ड ऑनलाइन जैसे ही सर्च करेंगे गूगल सर्च इंजन से तो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन कार्ड 2024-25 के नाम से आएगा और वहां पर स्कूल कोड आप अपना नाम डालेंगे, सॉरी स्कूल कोड डालेंगे, स्कूल कोड अपना आप जानते होंगे डालेंगे, उसके बाद से कैंडिडेट अपना नाम डालेंगे, ठीक है ना, उसके बाद से फादर नेम डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे ही डालेंगे तो आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन आपको प्रिंट थोड़ी ना करना है, आपको सिर्फ देख लेना है। अगर दिक्कत है तो पता है आपको क्या करना है, मैं बता रहा हूं, आपको करना यही है कि अब यहाँ जब आप अपने मोबाइल में एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करके निकले, देखिए मैं पैसा बचाने का उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10 एंड 12th वाले विद्यार्थियों के पास जो है ना जाहिर सी बात है कि पैसे नहीं रहते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना मतलब मैं सस्ता या बिना पैसे के ही मेरा काम चल जाए, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग कमेंट भी करते हैं सर फ्री में ही नोट्स दे दीजिए, तो बिल्कुल फ्री में नोट्स अवेलेबल है, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप फ्री में नोट्स ले सकते हैं। तो बहरहाल मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, होगा क्या कि जैसे कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में क्या करेंगे, आप डाउनलोड करके अपना डमी रजिस्ट्रेशन देख लेंगे, जैसे देखेंगे कि अरे मेरे नाम में या मेरे फादर के नाम में या मेरे माता के नाम में या मेरे एड्रेस में या किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन में कोई गलती नजर आ रही है, तो आप क्या करेंगे, जाएंगे और जाकर स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलेंगे, स्कूल में चाहे क्लास 10th हो या 12th वाले विद्यार्थी, इसी तरीके से करना है, जाना और प्रधानाचार्य से मिलना है कि सर मेरा डमी रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डमी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उस डमी रजिस्ट्रेशन को आपको क्या करना है, पहले से तो आप देखें वहीं पर लेकर और तुरंत गोला लगा देना कि कहां पर मिस्टेक है, मिस्टेक का जहां जहां मिस्टेक है वहां वहां गोला लगा करके आप प्रधानाचार्य के पास जमा कर देंगे, जमा कर देंगे प्रधानाचार्य क्या करेंगे वहां पर खुद से अपने जो है उनके पास लैपटॉप होगा वहां से जहां से ऑनलाइन मान के चले गए रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ठीक है ना, तो वहीं से वो क्या करेंगे उस ऑप्शन को खोलेंगे और वहां से करेक्शन कर देंगे। जरा सोचिए कि रोहन कुमार अगर आपका नाम है, अगर आई के करते अगर आप रोहन कुमारी हो जाए तो क्या आपको लग रहा है कि जीवन में कभी आप रोहन कुमार बन सकते हैं 12th क्लास में? नहीं, अगर अभी सुधार करवा लेंगे तो रोहन कुमार ही बन के रहेंगे, अन्यथा आप जीवन भर रोहन कुमारी बन के रहेंगे। इसलिए रोहन कुमारी नहीं बनना है, रोहन कुमार बन के रहना है, ठीक है, या सोहन कुमार बन के रहना है, या जो भी बनना है, अगर आपका नाम सही है तो नो प्रॉब्लम, अगर दिक्कत है करेक्शन करना है तो आयोग की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप सभी के बीच शेयर किया है। तो क्यों ना 10 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में इसको डाउनलोड करके आप कभी भी प्रधानाचार्य को सूचित कर सकते हैं कि यहां पर मेरा गलत है।
चाहे आपके नाम में मिस्टेक कुछ है, फादर के नाम में मिस्टेक कुछ है, माता के नाम में मिस्टेक हो, किसी भी तरीके का मिस्टेक को जरूर सुधरवाइए। क्योंकि देखिए जब आप 10th एंड 12th करने के बाद, क्योंकि 10th में अगर जो मिस्टेक रह जाती है ना वो 12th के साथ भी दोहराना पड़ जाता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से मिस्टेक चलते चला चला जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप अभी से ही सुधार कर लीजिए। सोचिए कि आयोग की तरफ से कितना अच्छा ये खुशखबरी है कि आप सभी को रजिस्ट्रेशन, फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड देने से पहले आपको एक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड के तौर पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करने को दे रहा है, जैसे आप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड के साथ भी यही होगा कि जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसके पहले डमी एडमिट कार्ड आएगा, उसको भी डाउनलोड करके देख लेंगे, हो सकता है कहीं उसमें ना मिस्टेक कर दें, तो उसमें भी अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसको सुधार लीजिएगा। और सुधार करके आप क्या कीजिएगा, प्रधानाचार्य को खबर कीजिएगा, प्रधानाचार्य आयोग को खबर करेंगे, वहां से आपको सुधार करके आ जाएगा। लेकिन ध्यान में रहे कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है, इस ऑफर को कभी नहीं छोड़ना, इस चीज से निश्चिंत नहीं रहना है कि मैं तो फाइनल बहुत अच्छा जानकारी दिया हूं, मेरा नाम पता जो भी होगा सब बढ़िया से आ गया हो, नहीं ऐसे कभी नहीं करना। ऐसे कई हजार विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है। धोखा क्या यार, मतलब कुल मिला जुला करके ये भ्रम में आकर के कि मैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हूं मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड सही आया है तो एडमिट कार्ड भी सही आएगा, तो रजिस्ट्रेशन कार्ड सही आ गया, एडमिट कार्ड में नाम गलत आ गया, तो जरा सोचिए। तो कुल मिला जुला करके रजिस्ट्रेशन कार्ड में अगर कोई दिक्कत है तो आप डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करके आप प्रधानाचार्य को दे दीजिए इन्फॉर्मेशन, वहां से वो सुधार देंगे, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये जानकारी काफी अच्छा लगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस मतलब इस ऑफर को हल्के में नहीं लेना है, इस त्रुटि को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी विडंबना, एक बहुत बड़ी समस्या को खड़ा कर देती है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखिए अगर मान के चले अगर अभी कोई मिस्टेक हो जाएगा ना तो जीवन में कभी सरकारी नौकरी लेने के लिए जब जाएंगे ना तो वहां पर छटनी प्रक्रिया चलती है, और छटनी प्रक्रिया के दौरान पता है होता क्या है, आपको देखेगा क्या यार आधार कार्ड में तो नाम रोहन कुमार है, सर्टिफिकेट में तो रोहन कुमारी है, तो भाई आधार कार्ड ये लगा रहा है तो रोहन कुमारी है, रोहन कुमारी कुल मिला जुला करके यहाँ पर आप छट जाएंगे। और तो और मान के चलिए अगर आपका नाम सही है, माता के नाम में गलती हो गई या पिता के नाम में गलती हो गई और वो आधार कार्ड से भी मैच नहीं कर रहा है तो भी वहां पर आप छट जाएंगे। जरा सोचिए कितना रिस्ट्रिक्ट होता है, जो जॉब देने वाले होते हैं गवर्नमेंट जॉब देने वाले जो होते हैं ना आयोग, कितना रिस्ट्रिक्ट होता है कि छटनी प्रक्रिया में एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी नौकरी हाथ से छूट जाती है। तो क्यों ना इस गलती को अभी से ही सुधार करके चले, आयोग आपको ऑप्शन दे रहा है तो इस ऑप्शन का फायदा उठाइए, इस ऑफर का लाभ उठाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके की जानकारी के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।